हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा भोला फिल्म का। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं सीधा सीधा बताने वाला हूं कि फिल्म में क्या अच्छा है और क्या नहीं। तो ये फिल्म जो है वो लोकेश कनकराज द्वारा निर्देशित कैथी का रीमेक है। तो जिन्होंने कैथी फिल्म नहीं देखी है उनको तो ये फिल्म बहुत अच्छी लगने वाली है, और जिन्होंने देख रखी है तो उनको जो चीज़ अच्छी लगने वाली है वो है इसके एक्शन सेट पीसेस। जितने भी एक्शन सेट पीसेस हैं वो बहुत ही शानदार तरीके से डिज़ाइन एंड कोरियोग्राफ्ड किए गए हैं। खासकर वो त्रिशूल वाला पूरा का पूरा एक्शन सीक्वेंस फुल पैसा वसूल है, जिसके लिए मैं कह सकता हूं कि ऐसा कुछ मैंने बॉलीवुड फिल्मों में नहीं देखा है इससे पहले। अजय देवगन सर ने एक्शन के मामले में तो हमें कुछ रिफ्रेशिंग सा माल दिया है, बाकी स्टोरी वही सेम है, लेकिन जो कुछ बदलाव किए हैं खासकर क्लाइमैक्स में, उससे ये भोला फिल्म बिल्कुल ही अलग डायरेक्शन में चली जाती है कैथी फिल्म से। और मिड क्रेडिट सीन नेक्स्ट पार्ट का सेटअप कर जाता है, जिसमें कि हमें अभिषेक बच्चन का कैमियो देखने को मिलता है, जो कि इस यूनिवर्स के बिग डैडी होने वाले हैं। बाकी दूसरी चीज़ मुझे बढ़िया लगी वो है इस फिल्म का वर्ल्ड बिल्डिंग एंड विलन का जो सेटअप किया है वो। जहाँ कैथी में विलन इतने दमदार फील नहीं होते थे, वहाँ केवल हीरो का जलवा था, लेकिन यहाँ भोला फिल्म में हीरो के साथ साथ विलन्स को भी बहुत ही बढ़िया तरीके से सेट किया गया है। खासकर दीपक डोबरियाल अपनी परफॉर्मेंस से मजा ला देते हैं यार। हालांकि कुछ क्लीजेस हैं उनके किरदार में, बट परफॉर्मेंस दिल जीत लेती है, जिसे देखकर लगता है कि इन्हें और रोल मिलने चाहिए। परफॉर्मेंस तो सबका ही शानदार है, चाहे तब्बू हो जिनके परफॉर्मेंस में कोई कमी निकाल ही नहीं सकते। इसके अलावा संजय मिश्रा, विनीत कुमार, गजराज राव, इन सब की एक्टिंग बढ़िया है, सभी अपनी छाप छोड़ते हैं। एंड अजय देवगन सर तो कमाल ही हैं, डायरेक्शन और एक्शन दोनों में ही कमाल किया है इन्होंने। जहां उन्हें अंडर प्ले करना होता है वो वहां करते हैं, हर सीन में अपनी हीरोगिरी नहीं दिखाते हैं। एक्शन सीक्वेंस में तो इतने बेहतरीन लगे कि आप सीटी बजाए बिना नहीं रह पाओगे। एंड इसके अलावा एक इमोशनल सीन है फिल्म में, जहाँ अजय सर का किरदार अपनी बेटी से मिलता है, उस समय उनकी एक्टिंग एक क्लास सेट करती है भाई। तो कुल मिलाकर कहूँ तो भोला एक मास एंटरटेनर है, और अजय सर ने ट्रीट भी इसको वैसे ही किया है। जहाँ कैथी में एक रॉनेस थी वो कमी यहाँ जरूर दिखती है, बट फिल्म निराश नहीं करती है एक रीमेक होने के बावजूद। तो आपको एक्शन और एंटरटेनमेंट चाहिए तो इसको ज़रूर देख डालिए। सो डैट बीइंग सेड, चलिए फिर यहीं पर रैप अप करते हैं इस वीडियो को। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करते जाना। तो मैं हूँ विवेक और तुम देख रहे हो सिनेमा रिव्यूज़। मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।